फिर एक बार न्यू जेटी राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कल मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ तीन और नए जिले बनाने की घोषणा कर दी। बात करें सूरतगढ़ की तो सूरतगढ़ एक बार फिर जिला बनने से वंचित रह गया। तो बार बार सूरतगढ़ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सूरतगढ़ के जो वासी हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया जा रहा। लोगों को ये हर बार ये उम्मीद रहती है कि इस बार नहीं तो इस बार हमारा नंबर जरूर आएगा। बात करें सूरतगढ़ की, जब श्री गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ को जिला अलग बनाया गया था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे। जब हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया तब भैरव सिंह जी ने यह कहा था कि अगली बार जब राजस्थान में नए जिले बनाए जाएंगे तब सूरतगढ़ का नंबर जरूर आएगा, सूरतगढ़ को जिला बनाया जाएगा। परंतु आज तक सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया गया। क्या जिला बनाने के परिप्रेक्ष्य में सूरतगढ़ अपने मापदंड पूरे नहीं कर पा रहा है? बात करें सूरतगढ़ की तो सूरतगढ़ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, रेडियो स्टेशन सूरतगढ़ में है, आर्मी की छावनी सूरतगढ़ में है और सूरतगढ़ को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिंचित क्षेत्र है सूरतगढ़। और बात करें कि यहाँ यदि सिंचित क्षेत्र है और वहाँ सरकारी विभागों की बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, सिंचाई विभाग की बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, यदि वहाँ कलेक्टर ऑफिस भी बनाए जाए तो इतनी सरकारी भूमि पड़ी है कि वहाँ दो कलेक्टर ऑफिस बना दिए जाएँ तो भी वहाँ जगह ज़्यादा रहेगी, पर जगह कम नहीं पड़ेगी। परंतु हर बार सूरतगढ़ के लोगों के साथ धोखा होता है। पता नहीं कारण क्या है कि क्या वहाँ के जो सूरतगढ़ क्षेत्र के जो समाजसेवी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी आवाज़ सूरतगढ़ की आवाज़ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी तक, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुँचा नहीं पाते या कोई कमी रह जाती है? परंतु कई बार यह भी कहा जाता है राजस्थान में कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो क्या ये कहावत भी चरितार्थ हो रही है? परंतु देखा यह जाता है कि सूरतगढ़ हर बार जिला बनने से वंचित रह जाता है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा का। पूजा भारती छाबड़ा उस वीडियो में ये बोलती दिखाई दे रही है कि जब मैंने अनशन किया था, पूजा भारती छाबड़ा बोल रही है कि मैंने जब अनशन किया था तो जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरा अनशन तोड़वाते हुए ये जो कहा था कि अगली बार जो ही नए जिलों की घोषणा होगी तो उसमें सूरतगढ़ का नाम भी होगा। परंतु कल नए जिलों की फिर एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी परंतु सूरतगढ़ का नाम नहीं आया, जिला बनने की रेस से एक बार फिर सूरतगढ़ वंचित हो गया। तो सूरतगढ़ वासियों के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा कब तक उनके साथ रहेगा? तो परंतु अब देखा जाए तो ज़्यादा समय भी नहीं है। आज जो चुनाव आयोग उसकी मीटिंग है, आचार संहिता एक दो दिन में 9 तारीख से पहले पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद में आपको पता है कि नए जिलों की घोषणा नहीं हो सकती। तो अब तो यही है सूरतगढ़ वासियों के लिए कि अब तो नई सरकार का जब गठन होगा उसके बाद में ही नए जिलों की घोषणा हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि नए जिलों की जब आगे आने वाले भविष्य में घोषणा हो तो सूरतगढ़ का नंबर आ जाए। तब तक सूरतगढ़ वालों को एक बार फिर मायूसी का सामना करना होगा।